R is equal to A comma B such that 2 divides A minus B. Of that 2 divides A minus B. 2 divides A minus B. 2. R is an equivalence relation इस तरीके के क्वेश्चंस के, जैसे किसी ने हमको लाइन एक लाइन दूसरे टाइप के पैरेलल दे दिया, एक में बोला कि ए उसका ब्रदर है या ए उसका सिस्टर है, इस तरीके से कुछ दे दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो हमने लास्ट में देखा था, हमारा एग्जांपल नंबर 4 है, जिसमें हमको रोस्टर फॉर्म में दे रखा था क्वेश्चन, जैसे 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। इसमें प्रूव करना था कि रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें जो ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। तो ए कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, ठीक है, ये दे रखा है। तो ये हमको एक स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट में जब कोई चीज़ लिखी रहती है कर्ली ब्रैकेट्स में तो उसको सेट बोलते हैं। तो ये सेट के फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म के उसको। तो आप ये देखिएगा इसको करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी होगी, जो रिलेशन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, हम हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिविटी। सेम एलिमेंट से रिलेट करता है, तो अगर ए है तो ए होना चाहिए, तो ए कॉमा ए, तो ए कॉमा ए, ठीक है, क्लियरली लिख देना, पहले यहां लिखना, लेट अस चेक फॉर ए कॉमा ए। किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, रिजल्ट जीरो ही है, ठीक है। बिलोंग्स टू जेड का मतलब वो सेट ऑफ इंटीजर्स में होना चाहिए। एक मिनट वेट करिए, आया जरा। अभी तो
अच्छा जी, तो जो पहले वाला है वो हमने देखा। अच्छा, इसमें क्या है कि वो ना जेड को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार दोबारा। क्वेश्चन में लिखा है शुड द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि मन में एकदम ये बात आती है कि टू से तो दुनिया का हर एलिमेंट कोई भी नंबर है वो सब डिवाइड ही हो जाएगा। कोई भी नंबर हो क्या वो टू से डिवाइड नहीं होगा? आप कहेंगे नहीं फाइव, तो फाइव अभी तो डिवाइड हो रहा है ना, 2.5 आ रहा है, लेकिन 2.5 जो है वो जेड नहीं है, जेड मतलब वो इंटीजर नहीं है। उन्होंने लिखा है कि शुड द रिलेशन कैपिटल आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स मतलब डिवाइड होने के बाद जो नंबर आए वो प्रॉपर इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर में डेसिमल वाले नंबर की कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैंने रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए देखा तो ए माइनस ए अपॉन टू, तो ए माइनस ए कितना हो गया जीरो, जीरो अपॉन टू इज जीरो, तो जीरो बिलोंग्स टू जेड। हम ये कहेंगे सो आर इज R is reflexive, that is A comma A belongs to R. A comma A belongs to R. Belongs to R मतलब A comma A इस relation को belong कर रहा है, मतलब इस relation को satisfy कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये ऐसे लिख देना आप, ठीक। ये मत सोचते हैं कि टीचर अपने आप समझ जाएगा, लिख देना, इन स्टेटमेंट्स के ही मार्क्स हैं। तो आपने लिख दिया R is reflexive, that is A comma A belongs to R, ठीक। अच्छा, तरीका ऑब्जर्व करिएगा, जहाँ पर भी ऐसा स्टेटमेंट दे रखी होगी वहाँ पर इस तरीके से चेक करना, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग एलिमेंट्स नहीं दे रखे, तो इसमें मुझे क्या करना होगा, ए कॉमा ए मान पर चलना होगा। अब मैं अगला चेक करूँगा सिमेट्री के लिए, तो हेडिंग डालिएगा सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है, एक पेयर दे रखा होता है, एक पेयर दे रखा होता है और दूसरा पेयर जो है वो चेक करना होता है। सिमेट्री के लिए एक पेयर दे रखा होता है और दूसरा पेयर चेक करना होता है। तो क्या दे रखा होता है, ए बी दे रखा होता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी आर को बिलोंग करता है। ए बी आर को बिलोंग करने का मतलब क्या है, ए माइनस बी अपॉन टू is equal to k, ब्रैकेट में लिखिएगा से बिलोंग्स टू सेट। से का मतलब ये a माइनस बी अपॉन टू, अगर a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ वैल्यू आएगी, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना, जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे मान लीजिए ये 7 है और ये 3 है, तो 7 माइनस 3 इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2, है ना। तो जो भी रिजल्ट आया वो जैसे 2 आया रिजल्ट, तो उसको मैंने k मान लिया, कुछ भी कॉन्स्टेंट आया, और वो जो k है मान लिया, तो माना को हम से लिख देते हैं बाद में। तो k से बिलोंग्स टू z, इसका मतलब वो z को बिलोंग करेगा, तभी तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। अच्छा, तो a माइनस बी अपॉन टू का जो रिजल्ट आ रहा है वो एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो a माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू k हो गया। देन जैसे यहाँ पर था ना चेक फॉर a कॉमा a, देन चेक फॉर b कॉमा ए। अब मैं b कॉमा ए के लिए चेक करूंगा, तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे क्लियरली b कॉमा ए के लिए क्या करेंगे, b माइनस ए अपॉन टू, b माइनस ए अपॉन टू, b माइनस ए अपॉन टू के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर न्यूमरेटर है ना, इस न्यूमरेटर में से माइनस कॉमा ले लिया, ये हो गया a माइनस b अपॉन टू। हाँ जी, ए माइनस बी अपॉन टू पहले से ही के आ चुका है और बाहर नेगेटिव साइन, माइनस के बिलोंग्स टू जेड, सीधी सी बात है भाई। अगर के की वैल्यू मान लीजिए 7 थी, है ना, के की वैल्यू मान लीजिए 7 थी, और माइनस 7 है, माइनस 7 भी तो इंटीजर है, डेसिमल में नहीं आनी चाहिए वैल्यू, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए वैल्यू बस। तो माइनस के जो है दैट इज दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। हम ये कहेंगे सो R is symmetric, that is B comma A belongs to Z, ठीक है, R B comma A belongs to R।
रिलेशन आपको बिलोंग कर रहा है। तो ए कॉमा बी दे रखा होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं दे रखा होता है, इसमें ए कॉमा ए को ही चेक करना होता है। दूसरे वाला जो केस है सिमेट्री वाला, उसमें ए बी दे रखा होता है कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी ए के लिए हमको चेक करना होता है। तीसरा आएगा ट्रांजिटिव, उसमें क्या होता है, उसमें दो केसेस दे रखे होते हैं कि ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है और आपको चेक करना होता है कि ए सी आर को बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, ये आपको चेक करना होता है। तो अब मैं अगला जो करता हूँ ट्रांजिटिविटी के लिए, ट्रांजिटिविटी में है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इट इंप्लाइज दैट ए माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में लिखिएगा सी बिलोंग्स टू जेड एंड BC belongs to R, which implies that B minus C upon 2 is equal to L, C belongs to Z, then check for, Sir, हाँ जी, question में तो C बोलेंगे, हाँ, question में C तो आएगा। हाँ तो क्वेश्चन में बी भी नहीं था। अच्छा ये जो है इसको क्वेश्चन समझ रहे हो, ये रिलेशन दे रखा है, है ना। तो जब भी कभी हम बात करेंगे ना तो ऑर्डर्ड पेयर होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर में आपको मिलेगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और जब मैं ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करूँगा तो जेड मुझे लेना ही पड़ेगा, तीसरा वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दे रखा है ए कॉमा बी, ठीक है, तो तीसरा वेरिएबल सी मेरे को लेना ही पड़ेगा ट्रांजिटिविटी चेक करने, ठीक है। तो देन चेक फॉर ए कॉमा सी, अब मैं ए कॉमा सी के लिए चेक करूँगा तो कैसे करेंगे, a माइनस सी अपॉन टू, ये एक इंटीजर आना चाहिए a माइनस सी अपॉन टू। ये जो a माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू k है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन। b माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू l है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर टू। और लिखिएगा कि ऐड इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन को हमें ऐड कर देना है। अब ऐड करने से देखिएगा क्या होगा, a माइनस बी अपॉन टू, a माइनस बी अपॉन टू प्लस b माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू k प्लस n, k प्लस n, तो ये हो गया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू के प्लस एल। तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तो ए माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू के प्लस एल। और के प्लस एल क्या है, दो इंटीजर्स को ऐड करो तो भी तो इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो ए माइनस सी अपॉन टू भी जेड को बिलोंग कर रहा है, इट इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू R, that is R is transitive. R is transitive. So R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. ठीक है जी, एक ये तरीका हो गया क्वेश्चंस को करने का, ठीक। अच्छा कई क्वेश्चंस हैं, मैं ना देख कर ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे देख कर समझ में आया, मुझे चाहिए था a माइनस सी अपॉन टू, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये डिनोमिनेटर में दोनों में टू आ रहा है, दोनों को एक बार ऐड करके देखो, ऐड करके देखेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट गया, तो a माइनस सी अपॉन टू आ रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि सब्ट्रैक्शन से बात बनेगी, ठीक है, तो या तो एडिशन से या फिर सब्ट्रैक्शन से बात बनेगी। ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप ट्रांजिटिविटी में रफ में कहीं पर करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जो देखेंगे एग्जांपल नंबर फोर था, एग्जांपल नंबर फाइव है। एग्जांपल नंबर फाइव के बाद में
एग्जांपल 6 देखेंगे। एग्जांपल 6 ये पेज नंबर जो है आपको पीडीएफ भेजा है, इसमें पेज नंबर 4 का है, काफी बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको जरा समझते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में बोल रहे हैं दैट आर द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 डिफाइंड इन द सेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड इन द सेट। तो यहां पर क्या बोला था कि आर बी अ रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ऑफ इंटीजर्स सेट, ठीक है। तो रिलेशन की जो भी वैल्यू आएगी, जैसे यहां पर रिलेशन था कि a माइनस b 2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। तो a माइनस b को 2 डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करके जो भी वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी एन इंटीजर, पर इंटीजर दे रखा था। अब यहां पर क्या दे रखा है, मतलब इस वाले रिलेशन की जो दुनिया थी, इस वाले रिलेशन का जो यूनिवर्सल सेट था, जो यूनिवर्स था, वो था z। अब जो अगला रिलेशन दे रखा है एग्जांपल नंबर 6, उसका जो यूनिवर्सल सेट है वो a है। दिया है दैट r इज द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट a 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो r रिलेशन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 में से ही निकलेगा, इन सात नंबरों में से ही r रिलेशन निकलेगा। रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होता है, एक नंबर और दूसरा ऐसे होता है। तो एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा, दैट आर द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 R is the relation defined in the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 by R. R कैसे defined है? By R is equal to पहली ब्रैकेट लगा के लेकिन ए कॉमा बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर बाय द ऑड और इवन, बोथ ए एंड बी आर बाय द ऑड और इवन, चार है, वन टू वाला तीन है, टू टू
सिक्स, उसके बाद थ्री वाला उठाते हैं तो थ्री वन थ्री 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 फाइव थ्री सेवन, ठीक है। फिर लेंगे फोर वाला, तो फोर वन नहीं ले सकते क्योंकि एक ही वन एक और हो जाएगा, फोर टू लेंगे, फिर फोर फोर लेंगे, फिर फाइव फाइव वन फाइव थ्री फाइव 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 सेवन, इसी के साथ कुछ हो जाता है तो दिमाग में बार 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 वही चीज़ घूमती रहती है। अब इलेवंथ में आप सब बच्चे थे, आपको पता था कमर में मेरे बड़ा दर्द हो रखा था, तो उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह बताइए कि भाई एक्सरसाइज करो लेकिन अपने वजन को मत बढ़ाना। जैसे 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 आपका पेट निकलता जाता है उसका पूरा लोड जो है वो बैकबोन पर आता है। तो अभी वो पेरेंट्स मिलने आए थे तो वो जो ऐसा थे उनका पेट कुछ ज़्यादा ही नहीं था, जिसके पास जा रहा हो सब ये कह रहे भाई साहब पेट कम करो पेट कम करो। जैसे जैसे आपका पेट निकलता है पेट का लोड कमर पर आता है। न जाने कितनी वीडियोस देख ली उसमें भी सब पर ये था, मैं सोच रहा हूँ यार तो इस आदमी की कमर बहुत मजबूत है ना, और अगर हो गया तो भाई क्या हाल होगा। हाँ 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 बस भगवान की कृपा सही चल रहा है, थोड़ा डर लगता है सोच सोच कर, बहुत बुरा हाल था भाई। और तुमने तो देखा है पैर रगड़ कर चलता था कितना बुरा हाल रखा है। अभी रास्ते में भी कोई अगर मेरे को दिखाई दे जाता है ना लगड़ा कर चल रहा है तो मेरे को लगता है मैंने कहा यार इसका बुरा हाल हो रखा है, मेरी वाली हालत है। कई बार आपको रास्ते में कई लोग दिखाई देंगे, किसी ने आज एक देखा तो एक आदमी स्कूटर चला था पीछे शायद वाइफ बैठी होगी उसकी, तो उसने बड़ी चौड़ी सी बेल्ट लगा रखी थी। मैंने कहा यार इसका बुरा हाल रखा है मेरे वाला, और ये नहीं समझ में आता कि ये ठीक होगा तो कब होगा, ये नहीं समझ में आता। और हर दिन और हर कोई ये कहता है अरे भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चलो ना, अगर मान लीजिए मैं मेट्रो से कहीं जा रहा था भाई साहब थोड़ा जल्दी चलो हमें भी जाना है, मैं उसको क्या समझाऊँ भाई मेरी हालत ख़राब मेरे से चला नहीं जा रहा। बस ये दर्द तो किसी को नहीं होना चाहिए, कितना गंदा दर्द है। अब दिमाग में वही चीज़ घूम जा रही कि भाई इतना मोटा पेट के साथ दर्द अगर हो गया तो क्या होगा। चलिए क्या फाइव वन ये फाइव सेवन हो गया और फिर सिक्स सिक्स टू सिक्स फोर सिक्स सिक्स फिर सेवन वन सेवन वन सेवन थ्री सेवन फाइव और सेवन सेवन, और ये सब बुरे टाइम के ख्याल हैं जो मन में बैठे हुए हैं जो निकलते नहीं हैं। बुरे टाइम में भी ऐसे ही ख्याल आते हैं, जा रहा हूँ कहीं पर तो कोई भी अगर दिखाई दे जाएगा मोटा दिख जाएगा ना कोई, भाई इतना मोटा थोड़ी था जो मेरे को पाप ना कोई ना, तो कोई अगर मोटा दिखाई दे जाएगा तो यार इसको तो हो नहीं रहा मेरे को क्यों हो रहा है, ठीक है। तो कोई बाइक पर जा रहा है, अच्छा बाइक चलाने को मना कर दिया, बाइक चलाने को मना कर दिया, बाइक नहीं चलाओगे आप कमर पर झटका लग जाएगा बाइक नहीं चलाओगे, तो फिर मुझे बाइक वाले ही सारे दिखाई दे रहे हैं और फिर मेरा बाइक चलाने का और मन कर रहा है और फिर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ तो कट मार के निकल गया ऐसे करके, तो और लग रहा है बेटा दर्द हो गया ना तेरे कट निकल जाएंगे सारे फिर कट नहीं मार पाएगा, तो ऐसा लगता है। चलिए जी, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, अब मुझे ये प्रूव करना है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें ना एक चीज़ थोड़ा सा स्मार्टली सोच लेना, मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। ये कहेंगे मैंने लिखे थे रिफ्लेक्सिविटी, दो तीन नंबर का होगा ये क्वेश्चन,
ये तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक चीज़ रिफ्लेक्सिविटी शो करके दिखाने के लिए, सिमेट्री के लिए और ट्रांजिटिविटी के लिए, तभी तो वो इक्विवेलेंस बनेगा। अच्छा, तो जैसे रिफ्लेक्सिविटी की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिविटी में कोई टीचर आपके दिमाग में नहीं उतर रहा है कि आपने क्या देखा, क्या सोचा है ना, और आपने किस हिसाब से उसको लिखा है आंसर को। तो देखिए, जैसे रिफ्लेक्सिविटी वाला है वो तो आप दिखा देंगे कि बाहर जो रिलेशन है वो इन्हीं सब सेट्स, मतलब ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनना चाहिए। तो वन शुड भी रिलेटेड टू वन, टू टू भी होना चाहिए, थ्री थ्री भी होना चाहिए, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, सेवन सेवन, ये सारे होने चाहिए। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे as we can see that the relation R has all the pairs 7 7, so R is a reflexive relation. चलिए, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, उसके बाद सिमेट्रिक की बात करेंगे। अब जब इतना बड़ा रिलेशन होता है, तो इतने बड़े रिलेशन में हर एक एलिमेंट आप चेक कर करके दिखाएं। यहाँ पर भी मैंने डॉट 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 लगा कर लिख दिया ना 7 7 तक, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा था कि चलो मैं पूरा भी लिख सकता हूँ, पर डॉट 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 करके मैंने 4 4 5 5 6 6 को लिखने से मैं बच गया। अच्छा, अब जैसे कि इतने सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि here that for each AB belongs to R, we also have BA belongs to R, like 13 है ना, यहाँ पर 13 है, तो 13 का सिमेट्रिक जो काउंटर पार्ट है 13 है, तो 31 भी है। ठीक है, लाइक 13 एंड 31, सेमी कॉलन, 15 एंड 51, सेमी कॉलन, 17 एंड 7 और डॉट 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 करके छोड़ दीजिए। सारा दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सारा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीन नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं, आपने इतना दिखा दिया, टीचर समझ गए। ठीक, सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के बाद सिमेट्रिक हो गया, अब इसके बाद अगला चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो इसी में होती है, ट्रांजिटिविटी। इसका क्या करूँ, इतने सारे पेयर, अच्छा 4 5 ऑर्डर्ड पेयर होते तो करके भी दिखा दें। ठीक है, इतने सारे पेयर रखे हैं, तो यहाँ पर भी डॉट डॉट करके छोड़ेंगे, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि जैसे मेरे को ये दिखाई दे रहा है 1 1, ठीक है, तो 1 1 मतलब इसका दूसरा एलिमेंट ए बी बी सी, तो ए सी बी होना चाहिए। ठीक है, तो 1 1 है और 1 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए ना, 1 3। ठीक है, तो क्योंकि कभी भी किसी भी सेट में या किसी भी रिलेशन में एलिमेंट्स जो है ना रिपीट नहीं करे जाते, रिपीट करके नहीं लिखे जाते। आपको याद होगा जब आप ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी करते थे, तो उसमें अगर सेट 2 बार आ रहे हैं दोनों सेट में, तो उनको लिखा एक ही बार जाता है। तो 1 1 है
और मंत्री है तो 1-3 भी होना चाहिए। तो आप ये मत सोचे कि मंत्री अलग से होगा, ठीक है, कि ए बी बी सी तो ए सी अलग से होगा, ये मंत्री है तो सही। तो ऐसे ही आप यहाँ पर कहेंगे कि ऐसा कुछ उठा लो जैसे 1-5 है, 1-5 और 5-7 ऐसा उठा लीजिए। पहले तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ये लाइन, ठीक, इट इज ऑब्जर्व हियर दैट और इट इज ऑब्जर्व हियर दैट फॉर ईच ए बी belongs to R and BC belonging to R there is also a pair AC belonging to R। और यहाँ पर भी लिख देना एग्जाम्पल के तौर पर, दो एक इस तरीके के प्रायर दिखा देंगे। तो वो क्या है, जैसे हमने ले लिया 1-3 कॉमा 3-5 एंड 1-5 ए बी है, बी सी है और ए सी है, 1-3 है, 1-3-5 है, तो 1-5 भी मिल रहा है यहाँ पर, सेमी कॉलन 1-5-5-7 एंड 1-7 डॉट 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 पे छोड़ दीजिए बस, बहुत है, ठीक है। तो आपने ये दिखा दिया कि आपको ए बी बी सी और ए सी वाला भी आपको यहाँ पर फॉर्मेट मिल रहा है, ठीक। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, इसका अगला पार्ट भी देखेंगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे भी दे रखा है, ठीक, बस एक मिनट वेट करिए आप।
further show that all the elements of the subset 1, 3, 5, 7 are related to each other and all the elements of the subset 2, 4, 6 are related to each other. ये show करना है, ये show करना कोई बड़ी चीज नहीं है, देखते हैं इस तरह. ये बोल रहे हैं फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑफ द सबसेट. तो हमने जब ये देखा कि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात एलिमेंट्स हैं, तो वो कह रहे हैं कि 1, 3, 5, 7 ही खुद के साथ रिलेट कर रहा है. तो हमने कहा हाँ ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5, 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो लेट द First subset B, capital B, 1, 3, 5, 7. तो सबसेट बी का कोई भी एलिमेंट जो है वो सी के साथ में बिलोंग भी नहीं करेगा, रिलेट ही नहीं करेगा उससे. तो हमको ये एक ये चीज़ प्रूव करनी है.
बी इज नॉट रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं ना, इसके क्वेश्चंस में बस आपके तरीका ध्यान रखना कि इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कसर नहीं रहनी चाहिए कोई, कर देना ढंग से एक्सप्लेन। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद जरा देखिएगा एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में डिटरमाइन व्हेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड कॉन्जुगेट। से बड़ा हो गया, 15 हो गया, तो वो सेट के बाहर निकल गया, तो ये नहीं ले सकते। तो रिलेशन क्या बन जाएगा? So R will be equal to 1 3 2 6 3 9 4 1। उन्होंने बोला कि इसमें आपको बताना है डिटरमिन whether each of the following relations या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको ये बताना है कि जितने भी रिलेशंस हैं ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं, आपको ये बताना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो भी सेट दे रखा होता है ना, जो पेरेंट सेट होता है, पेरेंट सेट यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 से लेकर 14 तक। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे होने चाहिए। आप ये सोचिए 13 तक है और सिर्फ एक 14 गायब है, तो हम ये कह देंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, 1 1 भी नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे मैं बोल रहा हूँ बस, ठीक है, करेंगे आप खुद कि सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, बस एक लाइन लिखकर छोड़ देंगे। ऐसे ही जब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, भाई 1 3 है, तो आप लिखेंगे
सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 1 नहीं है यहाँ पर, सिमेट्रिक नहीं है. उसके बाद आप ये कहेंगे कि सिंस 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर बट देर इज नो एलिमेंट 1 9, मतलब 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, तो ये लिखने का तरीका होगा, ये लिखने का तरीका होगा. ऐसे ही जो अगला वाला है उसमें दे रखा रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव. तो इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर तो हमारे वन से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया कि एक्स आपका 4 से छोटा छोटा होगा, तो एक्स की 3 ही वैल्यूज होंगे बस, 1 2 और 3. तो वाई क्या है, एक्स प्लस फाइव, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 5 6, ठीक है, 2 प्लस 5 7 और 3 प्लस 5 8, ये 3 हो जाएगा. ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मुझे तो नज़र नहीं आ रहा. ठीक, तो ऐसे ऐसे सब करके देखिएगा. ठीक, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है भाई, थोड़ा सा वही थोड़ा सा फनी है इसमें, देख लीजिए वो एक्स इज फादर ऑफ वाई वाला क्वेश्चन है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई वाला क्वेश्चन है. ठीक है, जैसे एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है जैसे इसमें दे रखा है, तो इसमें आप ये देखेंगे कि भाई रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, एक्स जो है खुद की वाइफ कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती. तो एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, नहीं हो सकता. ठीक है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है तो वाई इज वाइफ ऑफ एक्स नहीं, भाई वाई तो उसका हस्बैंड होगा. ठीक है, ये भी नहीं होगा. और फिर ट्रांजिटिव तो बन ही नहीं सकता, एक्स वाई की वाइफ है तो वाई किसी और की वाइफ कैसे हो सकती है, वाई तो हस्बैंड है ऑलरेडी, वाई तो मेल हो गया तो वाइफ कैसे हो सकती है. ठीक, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है, ये आपको लिख कर समझाने होंगे. ठीक है, कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एब्सर्ड है, बकवास है, ऐसे आप लिख कर समझाएंगे. ठीक, तो आप क्या करिए, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है अभी तक जो हमने करे हैं, आप पहला क्वेश्चन ही करिए बस, बाकी रहने दीजिए, बाकी रहने दीजिए. ज़्यादातर क्वेश्चन जिसमें ऐसे हैं कि एक बार करने के बाद ही समझ में आते हैं, तो सिर्फ पहला क्वेश्चन करिए सारे क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं. ठीक है जी, ठीक है.